विद्युत नियामक आयोग को नया दफ्तर मिल गया है। शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। नए भवन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय लाल ने। बोर्ड की पुराने दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया दफ्तर बना है। सामान यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अध्यक्ष कहाँ बैठेंगे, सचिव कहाँ बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है, इस कमरे में जो मैं कमरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कमरे में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के MD बैठा करते थे। तो उम्मीद की जा रही है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के MD के दफ्तर में हो सकता है नियामक आयोग के नए अध्यक्ष को बैठने की जगह मिले। और उसके बाद से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर का नजारा है जहाँ पर विद्युत नियामक आयोग से सामान आने शुरू हो गए हैं, फाइल आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सदस्य सचिव नहीं है, लिहाजा अभी दफ्तर ने काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन फाइलें यहाँ आनी शुरू हो गई हैं। पूरी तरह से अभी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। जगह जगह वायरिंग उखड़े हुए हैं, जगह जगह प्लास्टर उखड़े हुए हैं। तो हालांकि कमरों की संख्या काफी ज्यादा है, काम करने का स्पेस काफी ज्यादा मिलेगा। तो ये मैं दफ्तर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद्युत नियामक आयोग अब झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पुराने दफ्तर में काम करेगा। कमरों की संख्या 7-8 से ज्यादा है, सामान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन विद्युत नियामक आयोग फुल फेज में कब तक काम करना शुरू करेगा, कब से काम करना शुरू करेगा, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। कर्मन देवाशीष के साथ अजय लाल, News 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।